नमस्कार, मैं ज्योति सिंह बलिया से, और आज 11th के स्टूडेंट के लिए जो 7 जनरल टाइप रिएक्शन है उसका 5th पार्ट आज बताने जा रहे हैं। 5th पार्ट में हमने लिया है एल्कली नाइट्रेट को। तो पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि जो एल्कली ग्रुप होता है वो फर्स्ट ग्रुप का होता है पीरियाडिक टेबल में, जिसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, जिसमें एनामिलस बिहेवियर होने की वजह से लिथियम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। और जनरली यही जो 4 एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यही जो है एल्कली मेटल का जनरली प्रॉपर्टीज देते हैं। और यही दिमाग में भी हम लोग का ये चलता है कि इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। और ये जो लिथियम है अदर मेटल जैसा ये बिहेव करने लगता है। तो यहाँ टाइप का फार्मूला हमने बना दिया कि एल्कली नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये एल्कली नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पर नाइट्रेट का मतलब कि यहाँ हम ले लें, या समझने के लिए नाइट्रेट यानी NO3 पर 1 माइनस ये नाइट्रेट होता है, ये नाइट्रेट है, और NO2 पर 1 माइनस जो होता है वो नाइट्राइट होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो सोडियम क्या है, वो एल्कली है, इस वजह से इसे हीट करेंगे तो एल्कली नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस में ये टर्न होगा, यानी कि ये बन जाएगा NaNO2+O2। हम बैलेंस नहीं किए हुए हैं, ध्यान देना है, बस ये हम प्रयास किए हैं कि जो भी कंपाउंड लिखा जाए वो सही लिखा जाए। उसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ से पोटेशियम ले लेंगे तो K पर 1 प्लस होता है और NO3 पर 1 माइनस होता है, तो इससे रिलेटेड जो कंपाउंड बनेगा वो KNO3 ही होगा, और इसको हीट करेंगे तो पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो नाइट्राइट NO2 पर भी 1 माइनस होता है और K पर 1 प्लस होता है, तो इससे रिलेटेड यही कंपाउंड बनेगी। अब एक्सेप्शन में हम बता दें कि ये लिथियम नाइट्रेट हीट करेंगे तो ये एल्कली जैसा जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये नहीं देता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। और भी हम लोग डेप्थ में जाएं तो यहाँ पर बता दें कि एनामिलस बिहेवियर होने की वजह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे देता है, और ये बनेगा लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2+O2। अदर मेटल नाइट्रेट हम लें तो अदर मेटल नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2+O2। तो यहाँ पर हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम ले लें, या लेड का नाइट्रेट ले लें, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कोई भी मेटल का नाइट्रेट रहेगा, जिसमें ध्यान देना है कि वो एल्कली मेटल ना हो। एल्कली मेटल का नाइट्रेट अगर नहीं है, एल्कली को छोड़ करके कोई दूसरा मेटल का नाइट्रेट है तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2+O2 में चेंज होगा, यानी इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, जिसमें हमने ले लिया लेड नाइट्रेट जिसमें PB पर 2 प्लस होता है और NO3 पर 1 माइनस। तो ये शुरू के लेक्चर में देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जब कंपाउंड बनाएंगे तो ये बनेगा PbNO3 का ट्वाइस, और इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, मतलब कि PB पर 2 प्लस होता है और O पर 2 माइनस, इसका मतलब कि कंपाउंड सामने निकल कर के आएगा PbO और प्लस NO2 और प्लस O2। उसी तरीके से बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम नाइट्रेट का फार्मूला भी होगा BaNO3 का ट्वाइस, और इसको जब हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये मेटल का ऑक्साइड मतलब कि Ba पर 2 प्लस होता है और ऑक्साइड यानी O पर 2 माइनस होता है। चार्ज ऑलरेडी इक्वल है तो चार्ज को हटाते हो और पास पास लिख लेते हो, यानी ये हो जाएगा BaO प्लस NO2+O2। इस तरीके से जो रूल 5 है, यानी कि जो 7 जनरल टाइप रिएक्शन है उसका जो 5th रूल है, ये हमने बनाया नाइट्रेट से रिलेटेड। तो निश्चित तौर पे ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हम दे रहे हैं अपने से, और ये प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन भी करते रहेंगे, जिसमें हम ले लिए
सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हीट करिए, क्या बनेगा ट्राई करो। उसी तरीके से रुबिडियम नाइट्रेट RBNO3 हीट करो और पता करो कि ये क्या बनने वाला है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट SRNO2NO3 का ट्वाइस हीट कीजिए और ये पता कीजिए कि ये क्या बनने वाला है। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का ट्वाइस और इसे हीट करो और ये पता करो कि ये क्या बनने वाला है। धन्यवाद।